नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह गोल्सकाई में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर निशिकांत कामत इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि निशिकांत लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा भी वो और भी कई संक्रमणों से ग्रसित पाए गए हैं। बात करें लीवर सिरोसिस की तो ये खतरनाक बीमारी है। इसमें लिवर 70% से ज़्यादा खराब हो जाता है। इसमें एकमात्र उपाय लिवर ट्रांसप्लांट ही बचता है। खास बात यह है कि लिवर सिरोसिस के 80% मामलों में अल्कोहल एडिक्शन ना होकर फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी, सी और हाइपोकोलेस्ट्रॉल मामले होते हैं। बता दें कि देश में हर साल लगभग 10 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। हर 5 में से एक व्यक्ति को लिवर की बीमारी हो रही है। लिवर के टिश्यू बार बार क्षतिग्रस्त होने से लिवर सिरोसिस होता है। सामान्यतः इस बीमारी के लक्षण जब तक प्रकट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टरों की माने तो शुरुआत में इसका कोई लक्षण नहीं दिखता है। कई बार लोगों को एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है। अस्पताल में केवल बुखार और पीलिया की शिकायत के साथ भर्ती होते हैं। सप्ताह भर में वो वेंटिलेटर पर आ जाते हैं और सही समय पर अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो मरीज की मौत तक हो जाती है। लिवर सिरोसिस का शुरुआती स्टेज में पता चले तो उसका इलाज दवाओं से भी किया जा सकता है। यदि आपको लिवर की बीमारी का पता लगाना है तो इसे लगाने के लिए 30 साल की आयु के बाद हर 5 साल में, 40 के बाद हर 3 साल, 50 साल में हर 2 साल में और 60 के बाद हर साल खून की जांच, LFT, SGPOT, पेट का अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। हेपेटाइटिस का टीकाकरण भी कराते रहना चाहिए, तभी आप इस तरह की बीमारी का शुरुआत में ही पता लगा सकते हैं।